नमस्कार, मैं हिमानी कुलश्रेष्ठ, आप देख रहे हैं सी टेन न्यूज। देखते हैं जनपद से जुड़ी कुछ खास खबर। फिरोजाबाद के सुकुहाबाद में आबकारी विभाग को उस वक्त बड़ी कामयाबी हाथ लगी जब मुखबिर की सूचना पर सपा कार्यालय के पीछे नगला प्रभु में एक मकान से शराब का जखीरा मिला, जिसकी बाजार कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। अनुमान लगाया जा रहा है कि नजदीकी होली के त्यौहार पर बाजार में उतारने की तैयारी थी। मौके से खाली बोतलें, सील और बोतल कैप भी बरामद हुए हैं, जबकि एक आरोपी को भी हिरासत में ले लिया गया है, जिससे पूछताछ जारी है। देखते हैं ब्रजेश राठौर की रिपोर्ट। पकड़ी गई है, किस तरह का मामला है? ये अवैध शराब का मामला है यहाँ पर, और हमने और पुलिस ने साथ में संयुक्त कार्रवाई की है। सीओ साहब संजय रेड्डी साहब ने साथ में ही हम लोगों ने दबिश दी यहाँ पर, जो 18 पेटियाँ और क्या कहते हैं खाली पौए काफ़ी मात्रा में पकड़े गए हैं। ये यहाँ पर रिफिलिंग का काम चल रहा था, उसको पकड़ा गया है और पुलिस का भी काफ़ी सहयोग रहा है हम लोगों के साथ में। तो इसकी कीमत क्या होगी? ये लगभग 60-70 से ऊपर की होगी, लगभग 1 लाख के करीब तक पहुँच जाएगी। किस तरह का मामला है? ये अवैध शराब निर्मित करते थे यहाँ पे, हरियाणा से कुछ शराब देसी ला के फिर मिलावट करके यहाँ बनाते थे सब। लकी नाम का व्यक्ति है, लकी उप सनी, बाप का नाम जितेंद्र यादव, नगला गंगे थाना जसराना का रहने वाला है। कितनी कीमत की शराब पकड़ी गई होगी सर? करीब अरे कई हजार की, 18 पेटी पकड़ी गई देसी और खाली शीशियाँ हैं। 35 कोई अभी पकड़ा गया? हाँ लकी है, एक व्यक्ति पकड़ा गया।